आज घूमेंगे जयपुर केवल 5 मिनट में और इस वीडियो को देखने के बाद आप जयपुर के बारे में काफी कुछ जान लेंगे। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। अब ये तो आप सभी जानते हैं, पर क्या आपको मालूम है कि इसका नाम पिंक सिटी कैसे पड़ा? दरअसल साल 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड जयपुर घूमने आए थे और उन्हीं के स्वागत में राजा सवाई राम सिंह ने पूरे जयपुर को गुलाबी रंग में रंगने का हुक्म सुना दिया, तो बस तब से ये पिंक सिटी बन गया। अब इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं। जयपुर की स्थापना साल 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जयपुर रखा गया। माना जाता है कि जयपुर इंडिया की पहली प्लांड सिटी थी और इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए महाराजा जयसिंह ने विद्याधर भट्टाचार्य को नियुक्त किया, जिन्होंने यहाँ की कई प्लेसेस और रोड्स को तैयार की। अब जयपुर में खाने पीने की बात न करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कई सारे टेस्टी फूड्स मिलते हैं, जिनमें प्याज कचौड़ी, फिनी चाट, लस्सी, चाय, पान और सबसे खास है चोखी धानी की राजस्थानी थाली, जिसको खाने के बाद आप अपनी उंगलियों को चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और जिसमें आपको खाने के साथ यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में मेट्रो भी है और यहाँ आप लोकल बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूटी भी रेंट पर मिल जाती है और कार से घूमने का ऑप्शन तो है ही। यहाँ का पिंक सिटी मार्केट शाम को बहुत ही खूबसूरत सा लगता है, जहाँ आप इसकी लाइटिंग्स देखने के साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहीं पर बापू बाजार है, जहाँ कपड़े की बड़ी मार्केट है। जयपुर में कई मॉल्स हैं और जयपुर आप बाय बस, ट्रेन या फ्लाइट किसी भी मोड से पहुंच सकते हैं। जयपुर में घूमने के लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर है आमेर फोर्ट, यानी कि आमेर का किला। आमेर फोर्ट को राजा मान सिंह ने बनवाया था और आमेर कभी राजस्थान की राजधानी हुआ करती थी। वैसे ये फोर्ट काफी बड़ा है और इसके अंदर शीश महल, रसोई घर, पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़ी टंकियां और सुरंग भी है। आमेर घूमे बिना जयपुर की ट्रिप अधूरी रहेगी। जयपुर में इसी तरह नाहरगढ़ का किला भी काफी प्रसिद्ध है और इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा साल 1734 में करवाया गया था। नाहरगढ़ को पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता था और यहाँ का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है माधवेंद्र भवन, जहाँ सवाई माधो सिंह की 12 रानियों के लिए अलग अलग रूम बनवाए गए थे। यहाँ रंग दे बसंती और जोधा अकबर जैसी मूवी की शूटिंग भी हुई है। अब और भी घूमने की प्लेसेस की बात की जाए तो यहाँ जयगढ़ फोर्ट, हवा महल, जल महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, अक्षरधाम टेंपल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, मोती डूंगरी गणेश जी का टेंपल, सन टेंपल और इतनी प्लेसेस है कि जिन्हें घूमने के लिए आपको कम से कम 4 दिन चाहिए होंगे। यहाँ रहने के लिए हर तरह के बजट होटल से लेकर 5-स्टार होटल तक अवेलेबल है और जयपुर फेमस है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए और प्री वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। कुल मिलाकर जयपुर इंडियंस की ही नहीं फॉरेनर्स के बीच भी मशहूर है। वजह है यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन, जो आज भी जिंदा है।